बीकॉम पार्ट सेकंड के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर में बच्चों इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज हम लोग देख रहे थे, जिसका पार्ट वन मैंने आपको बताया था. आज हम पार्ट टू देखेंगे इसका, रिड्यूसिंग द कैपिटल बाय रिटर्निंग द एक्सेस कैपिटल. मैंने आपको इसमें बताया था कि कंपनी किस प्रकार से रिकंस्ट्रक्शन करती है अपना. कई बार क्या होता है कि कंपनी में जो पूंजी होती है उसको चेंज करना होता है, शेयर होल्डर्स को पूंजी वापस करनी होती है, या एक्सेस जो कैपिटल नज़र आती है उसे चेंज करना होता है, उसका स्वरूप चेंज करना होता है कैपिटल का. तो इसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है कि कंपनी के अंदर किस प्रकार से आंतरिक का पुनर्निर्माण उस कंपनी का किया जा रहा है. तो रिड्यूसिंग द कैपिटल बाय रिटर्निंग द एक्सेस कैपिटल. इन केस अ कंपनी हैज अवेलेबिलिटी ऑफ सरप्लस कैश, मान लीजिए कंपनी को लगता है कि हमारे पास सरप्लस पड़ा हुआ है कैश का, क्योंकि कैपिटल पे राइट किसका है, शेयर होल्डर्स का है. अगर कंपनी को लगता है कि एक्सेस कैपिटल है तो उसे जो है रिफंड करना ठीक रहेगा, कंपनी के हित में तो उसको रिफंड किया जा सकता है, और ये रिफंड करना जो है कंपनी की शेयर कैपिटल में चेंज लाएगा. तो ओल्ड शेयर कैपिटल जो बैलेंस शीट में दी हुई है उसको आप ओल्ड कैपिटल कहेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट DR करेंगे. DR होने का मतलब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, और टू शेयर कैपिटल न्यू करेंगे तो इन दोनों में अगर डिफरेंस आता है तो वो शेयर होल्डर्स में अकाउंट में डाल करके उसको कैश पेमेंट कर दिया जाएगा. तो ये रिड्यूस करना हुआ कैपिटल को. इसका एग्जांपल में हम इसको आगे देखते हैं. अ कंपनी इज 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड. कंपनी के 50,000 शेयर्स हैं ₹10 वाले. कंपनी ने डिसाइड किया कि उनमें से ₹3 पर शेयर जो है वो वापस जो है कर दिया जाए, और ₹7 पर फुली पेड अप शेयर कैपिटल बना दी जाए. तो देखिए पहले ₹10 का शेयर था और अब ये ₹7 का शेयर हो जाएगा. तो इसमें अपन चेंज कर रहे हैं शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट. दोनों शेयर कैपिटल अकाउंट कहलाएंगे, क्योंकि पुरानी जो थी वो ओल्ड ₹10 की थी और नई हो गई ₹7 वाली, और बाकी डिफरेंस ₹3 आपने शेयर होल्डर्स को पे कर दिया. तो ये आपका रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा. 500,000 से कैपिटल 3.5 लाख हो गई, 1.5 लाख उनको शेयर होल्डर्स को कैश पेमेंट कर दिया गया. तो ये रिकंस्ट्रक्शन का एक तरीका है. और इसी तरह से एक तरीका है कि रिड्यूसिंग द पेड अप शेयर कैपिटल व्हेन द कंपनी सफर्स लॉसेस. कंपनी अगर कभी कभी लॉसेस कर रही, लॉस हो रहे हैं कंपनी में, कंटिन्यूसली लॉस होने, तो इट इज़ क्वाइट कॉमन दैट द एक्युमुलेटेड लॉस एंड डेफर्ड एक्सपेंसेस विल अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. आपको पता ही कि हम जो है लॉसेस को बैलेंस शीट के DR में दिखा, बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाते हैं, और जो है द फिक्टिशियस एसेट्स ऑन द बैलेंस शीट मेक क्लियर दैट द कंपनी इज अनेबल टू डिस्चार्ज इट्स लाइबिलिटीज. ठीक है, अंडर सच एस सर्कमस्टांसिस द कैपिटल विच इज अंडर अनप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल एसेट्स शुड बी कैंसिल्ड एंड द जनरल एंट्री. इस तरह से उसकी जो एंट्री की जाएगी. व्हेन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज चेंज और रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज चेंज, इफ द अमाउंट इट चेंज इन द कैटेगरी ऑफ द शेयर कैपिटल, उसकी में चेंज होता है तो ओल्ड और न्यू करके डिफरेंस को कैपिटल रिडक्शन माना जाएगा, उसको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल दिया जाएगा. फेस वैल्यू ऑफ शेयर और या उसकी रेट ऑफ डिविडेंड चेंज होने पर. ठीक है, इट डज नॉट अमाउंट टू चेंज इन कैटेगरी ऑफ शेयर कैपिटल. तो शेयर कैपिटल से एक इसमें चला गया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नया खोल करके उसमें डाल दिया गया. अच्छा, अगर मान लीजिए डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर क्रेडिटर्स आल्सो मेक सेक्रीफाइस. कभी कभी क्या होता है कि डिबेंचर होल्डर और जो क्रेडिटर्स होते हैं ये दोनों भी सेक्रीफाइस करते हैं, उनका भी अमाउंट जो है डेबिट करके और कैपिटल रिडक्शन में डाला जा सकता है. यानी उनको भी कहा जाता है भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपको नहीं दे पाएंगे, तो कैपिटल का रिडक्शन किया जा रहा है. तो उनके अकाउंट से निकाल के भी, यानी उनकी लायबिलिटी कम होगी और आपको कैपिटल रिडक्शन में उसको आपने डाल दिया है. इफ द वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स इज टू बी अप्रिशिएटेड, मान लीजिए कभी एसेट्स जो होती हैं उनसे भी पैसा निकाल करके आप कैपिटल रिडक्शन में डाल सकते हैं, तो उनको अप्रिशिएट कर दिया जाएगा. तो यानी कि एसेट्स तो बढ़ जाएंगी, लाइबिलिटीज कम होती हैं DR होती है तो, और एसेट्स को DR करने पर उसमें इंक्रीज होता है. इफ सम अनरिकॉर्डेड कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज इज टू बी पेड, अगर आपकी कोई संभावित दायित्व है उसको पे करना है आपको, तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को जो है उसे पे कर सकते हैं. कैपिटल रिडक्शन एक फंड बन गया आपका, उससे जो है आप कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज को पे करना शुरू कर देते हैं. आप तो एक फंड बनाना था आपको, जिसको आपने कैपिटल रिडक्शन के नाम से फंड बनाया है. व्हेन द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज यूटिलाइज्ड इन राइटिंग ऑफ एक्युमुलेटेड लॉसेस, है ना, कभी कभी कैपिटल रिडक्शन आपके पास एक फंड तैयार हो गया, उससे आपको कहा जाएगा भाई ये लॉसेस को पूरा करिए. तो आपने मतलब देखिए कैपिटल रिडक्शन फंड कहाँ से बनाया है, पूंजी में से निकाल के बना लिया आपने, डिबेंचर से पैसा लेकर के उससे बना लिया, और उसमें से फिर आपने पेमेंट्स करने शुरू किए. तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई लॉस हो तो उसको पूरा कर सकते हैं, डिस्काउंट कमीशन ऑन शेयर्स पे दिया हो उसको पूरा कर सकते हैं. दीज आर ऑल कैपिटल लॉसेस, है ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है, गुडविल को कम करना है, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स को बैलेंस को रिड्यूस करना है, तो इन सबको जो है कैपिटल रिडक्शन में से जो है लेस कर दिया जाएगा.
इफ देर इज एनी बैलेंसिंग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, लास्ट में आपने ये सारे काम कर लिए फिर भी कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस रह जाता है, तो उसको आपका कैपिटल रिजर्व बना दीजिए, क्योंकि शेयर होल्डर्स को किस रेशो में देंगे, लिया शेयर कैपिटल वालों से था, कहाँ कहाँ से लिया आपने, डिबेंचर होल्डर से ले लिया, कहीं से नहीं ले लिया, तो उसको कैपिटल रिजर्व में डाल करके आप उसको खत्म कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को। ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया। कैपिटल रिजर्व भी आगे पीछे नहीं का पैसा है जो कि किसी प्रकार के पूंजीगत लॉसेस को पूरा करने के लिए काम में लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से कंपनी रिकंस्ट्रक्ट होती है अपने कैपिटल को मॉडिफाई करके, ठीक है, थोड़ा बहुत जब चेंज करती है तो वो पैसा रिडक्शन में आ जाता है और रिडक्शन से लाइबिलिटीज का पेमेंट किया जा सकता है। धन्यवाद।